हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो तरह का होता है एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नॉन होमोजनियस है वो दो तरह से सॉल्व किया सकता है यानी कि वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है इनकंसिस्टेंट यानी कि इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं निकलेगा इक्वेशंस आर नॉट सोलेबल वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ़ एक्स वाई जेड अगर तीन वेरिएबल हैं और कंसिस्टेंट अगर सिस्टम हमारा है तो उसमें एक्स वाई जेड या चार वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यूज़ डिटरमाइन की जा सकती हैं और कंसिस्टेंट में भी आ, दो कंडीशन होती हैं कि फाइनाइट सोलूशन आएगा यानी कि यूनिक सोलूशन आएगा या इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशंस आएंगे तो ये पिछले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं वहाँ से रिविज़न कर सकते हैं आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और ये कंसिस्टेंट ही होता है हमेशा या इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है तो आइए देखते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तो क्वेश्चन की तरह यहां पर लिखा हुआ है कि व्हाट आर द होमोजीनियस इक्वेशंस हाउ डू यू सॉल्व दीज इक्वेशंस वैसे आपको पता है होमोजीनियस इक्वेशंस उन्हें कहते हैं जिनके राइट right साइड में सब जीरो होता है ठीक देखिए कैसे मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें तो मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख सकता हूं कि जैसे एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो राइट तो ये देख रहे हैं कि राइट right में जो कॉलम मैट्रिक्स यानी बनाई जाती है ये नल मैट्रिक्स है ये नंबर्स होते हैं इनका हम कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखा जाता है लेकिन होमोजीनियस में बी की वैल्यू जो है वो नल मैट्रिक्स होती है यानी जीरो जीरो कॉलम में आता है ठीक आर कॉल्ड होमोजीनियस सेवेंटिनियस इक्वेशंस दीज इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये जितनी भी इक्वेशंस होमोजीनियस है वो हमेशा कंसिस्टेंट ही होती हैं यानी कि इनका सोल्यूशन निकलेगा ही अब सोलूशन यूनिक भी हो सकता है और इन्फाइनइट भी हो सकता है सॉलेबल हैं इक्वेशन ही आपके ठीक है सिंस रैंक ऑफ कोफिशेंट मैट्रिक्स एंड एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स वैसे क्या होती है आपने पढ़ा है कि ए कॉमा बी लिखते हैं लेकिन बी यहां पर नल मैट्रिक्स हो जाने की वजह से जो रैंक ए की निकलेगी वही रैंक ए यानी जीरो कि नल मैट्रिक्स के साथ जो एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आपने बनाई है सेम रैंक आ जाएंगी दोनों की तो जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होता है तब हमारा सिस्टम सोलेबल होता है आर ऑलवेज सेम सेम होगा अब केस वन में देखिए वेन वी हैव एन होमोजीनियस इक्वेशन देखिए यहां पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम हमें लेकर के चल रहे हैं आ, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है तो वही बात थ्योरी में कही गई है वेन वी हैव एन होमोजीनियस इक्वेशन इन एन वेरेबल्स यानी एन होमोजीनियस इक्वेशन है और एन वेरेबल है तीन इक्वेशन भी हो सकती है तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं देन कोफिशियन मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन कोफिशियन मैट्रिक्स जैसे यहाँ पर देखिए कोफिशियन मैट्रिक्स अगर आप बनाते हैं तो फर्स्ट रो में वन कॉमा टू आएगा और सेकेंड रो में वन कॉमा माइनस uh, वन आएगा ठीक इन दिस केस इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू एन अब अगर हम इसकी रैंक डिटरमाइन करें और रैंक एन आ जाए एन का मतलब यहां पर टू से है इस एग्जाम्पल को अगर लें तो देन ये आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी अभी यहां पर हम चेक करके एग्जाम्पल बताएंगे भी आपको डस ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वी डस हैव एन इक्वेशंस इन एन वेरिएबल्स एंड देयर फॉर द सोलूशन विल बी यूनिक यानी इस स्थिति में कब जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स एन के बराबर हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल के तो सोल्यूशन हमारा कैसे निकलेगा देयर फोर द सोल्यूशन विल बी यूनिक बट इट इज जीरो सोल्यूशन ये यूनिक सोल्यूशन निकलेगा लेकिन सोल्यूशन कैसा होगा यूनिक होगा इसको आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं जरा इसका डिटर्मिनेंट हम लोग लिखते हैं देखिएगा ध्यान से यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए राइटिंग कर रहे हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब आप लिखेंगे इस एग्जाम्पल का तो वन टू और ये वन और ये माइनस वन राइट इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें ये हो जाएगा माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देखिए ये बात ट्रू हो रही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट ज़ीरो नंबर अब चलिए इसको सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं इसको आप क्या करिए सब करिए माइनस और यहाँ ये प्लस हो जाएगा ये ऐड किया ये हो जाएगा आपके पास थ्री वाई इज इक्वल टू ज़ीरो यानी कि y की, की वैल्यू कितनी आ रही है ज़ीरो और जब y जीरो पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी वो भी ज़ीरो आ जाएगी यानी कि यहाँ पर डिटर्मिनंट मेथड से हमने सॉल्व किया है जो ये कंसेप्ट लिखा हुआ है ये आप नेक्स्ट एग्जांपल में भी सीखेंगे तो यहाँ हमने एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू कह सकते हैं ये डिटर्मिनंट मैथड कह सकते हैं कि अगर आपको पता लगाना है कि होमोजेनियस सिस्टम जो इक्वेश्स का दिया हुआ है उसमें जीरो सोलूशन आ रहा है यानी कि यूनिक सोल्यूशन आ रहा है कैसे पता लगाएंगे तो सबसे पहले उसका आप क्या करेंगे डिटर्मिनेंट कोफिशियंट्स का इवेलुएट uh, करेंगे अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो इट इज़ कन्फर्म द सोल्यूशन विल बी जीरो सोल्यूशन यानी ज़ीरो सोल्यूशन ही होगा और वो सोल्यूशन कैसा होगा यूनिक सोल्यूशन ये डिटर्मिनेंट से कर सकते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल में अभी हम लोग पूरा रैंक के मैथड से करेंगे ठीक अब देखिए वेन रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ आर लेस देन एन रैंक मेथड से जब करें और रैंक कम आ जाए किससे एन से एन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स है एन माइनस आर वेरेबल्स विल हैव टू बी असाइंड आर्बिट्रेरी वैल्यूज ये तो पिछले वीडियोस में भी हमने आपको बताया है कि जब रैंक कम हो नंबर ऑफ़ वेरेबल्स ज़्यादा हो तो फिर एन माइनस आर वेरेबल्स लेना पड़ता है और एन माइनस आर का जो डिफरेंस आएगा उतने वेरिएबल्स को हमें आर्बिट्रेरी वैल्यूज प्रोवाइड करनी होती है और आर्बिट्रेरी वैल्यू होने की वजह से ही इसमें नंबर ऑफ सोलूशन बढ़ जाते हैं इन्फिनइट सोलूशंस हो जाते हैं हैंस देयर विल बी इन्फाइनाइट सोल्यूशंस इन दिस केस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो अभी हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे उसमें आपको शो कर देंगे कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो जीरो होगी दैट इज द कोफिशेंट मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर यानी कोफिशेंट मैट्रिक्स जो हमारी है वो कैसी है सिंगुलर एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आ, जैसे मान लीजिए आपने लिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो अब आपने यहाँ लिया टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो अब इसका यहाँ डिटर्मिनेंट बनाइए आप ठीक है कोफिशियन मैट्रिक्स का जो है एक डिटर्मिनेंट uh, बनाते हैं देखिए ए के से डिनोट कर दीजिए और वन वन टू टू ठीक है अब देखिए फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम इक्वल होने की वजह से वैल्यू क्या आ जाएगी और ज़ीरो आ जाएगी ठीक तो जब वैल्यू ज़ीरो आएगी तो इन्फीनट सल्यूशन होना चाहिए हाँ होगा देखिए देखने में ये दो इक्वेशन लग रही हैं x प्लस वाई जीरो टू एक्स प्लस टू वाई जीरो लेकिन दो नहीं है इक्वेशन तो एक ही है क्या इसमें टू से मल्टीप्लाई हो गया है दैट इज हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स अब अगर हम यहां पर x को लेट कर लें कि लेट x इज इक्वल टू सीवन तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस सीवन अब आप सीवन की वैल्यू चेंज करिए सीवन वन लिया तो एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी वाई की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी सी वन जीरो लिया तो एक्स और वाई दोनों जीरो हो जाएंगे तो हाउ मेनी सोल्यूशंस यू विल ऑफटेन इन्फेनाइट सल्यूशनस आ जाएंगे तो ये एक शॉर्टकट मैथड कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट आपने कोफिशन मैट्रिक्स का लिया और अगर वो जीरो आया तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्फेनाइट सल्यूशन्स आएंगे और अगर नॉन जीरो आया तो यूनिक सोल्यूशन आएगा जो कि जीरो सल्यूशन होगा ये एक कंसेप्ट है ओवरऑल अब देखते हैं रैंक मैथड से एग्जामपेलिस में अच्छा एग्जाम्पल से पहले एक केस टू और दिया हुआ है देख लेते हैं इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स और इक्वेशंस का रिलेशन uh, है जैसे पीछे हम लोगों ने इसमें जो देखा वो क्या था कि एन होमोजीनियस इक्वेशंस इन एन वेरिएबल्स नंबर ऑफ़ इक्वेशंस और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स इक्वल है अब यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स अनइक्वल हो जाएंगे कम ज़्यादा हो सकते हैं तो देखते हैं इसमें भी फिर हमारे दो केसेस बन जाएंगे वेन वी हैव एम होमोजीनियस इक्वेश इन एन वेरिएबल्स एम ग्रेटर देन एन यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशन्स हमारी ज़्यादा हैं और वेरिएबल हमारे कम हैं ठीक देन रैंक ऑफ कोफिशन मैट्रिक्स इज आर लेस देन इक्वल टू एन अब आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ ट्रू कि हमेशा ही ऐसा होगा क्योंकि उसकी मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से मैनेज होगा कि रैंक उसकी अगर आर आएगी तो वो कभी भी एन से ज्यादा नहीं हो पाएगी नंबर ऑफ वेरियबल या तो उतनी होगी ठीक वेन आर इक्वल टू एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स द यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और यूनिक सोल्यूशन होमोजेनियस सिस्टम में हमेशा जीरो सोलूशन ही होता है ये याद रखिएगा आप अगर आर कम हो गया देन वी हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम में सोल्यूशन निकलना ही है सिस्टम हमारा कैसा होता है कंसिस्टेंट ही होता है अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर लिखा एम लेस देन एन अभी आपने जो सीखा वो एम ग्रेटर देन एन था अब यहाँ एम लेस देन एन नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अवेलेबल्स देन सिंस रैंक ऑफ द कोफिशेंट मैट्रिक्स आर लेस देन इक्वल टू एम जो यहाँ कम होता है बस रैंक समझिए उतनी मैक्सिमम निकल सकती है जैसे इसमें लेस था एन तो फिर रैंक अधिक से अधिक एन आ सकती थी यहाँ एम लेस है इसलिए अधिक से अधिक रैंक आपकी जो है वो एम आएगी जब आप करेंगे तो खुद ही देखेंगे इस चीज को और पीछे के लेक्चर्स में बताया भी यही आपको बट एम लेस देन लेस देन एन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स वी विल हैव वेरेबल्स हैंट सोल्यूशन इस केस में जब एम हमारा लेस देन एन होगा तो हमेशा इनफाइनाइट सोल्यूशन ही आपको ऑप्टेन आप होगा यूनिक सोल्यूशन जीरो सोलूशन नहीं मिलेगा दस वैन रैंक ऑफ कोफिशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स द जीरो सल्यूशन इज ओनली यानी पहले केस में जीरो सोलूशन आता है आपका ठीक है रैंक ऑफ कोफिशन मैट्रिक्स इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन देर विल भी इन्फेनाइट यानी दो ही सोल्यूशन है जीरो सोलूशन और इनफेनाइट सोल्यूशन इन्फेनाइट सोल्यूशन देखिए इस सिचुएशन में भी है इस केस में जब एम ग्रेटर देन एन है लेकिन रैंक लेस देन एन आ जाती है और एक बार और सिचुएशन है कि रैंक आर लेस देन इक्वल टू एम है बट एम लेस देन एन तब भी इनफाइनाइट सोल्यूशन ही आएगा तो आई थिंक ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स करते हैं तो देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर एट है वन से लेकर के सेवन एग्जाम्पल्स तक आप पिछले वीडियोस देखिए उसमें हमने अच्छी तरह से समझाया है आपको वो पूरा सिस्टम नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस का है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का है अब देखिए एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री जीरो एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस एक्स थ्री जीरो टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस थ्री एक्स टी टू जीरो अब यहाँ पर हम पहले कोफिशियन मैट्रिक्स लेंगे एग्यूमेंटेड नहीं बनाना पड़ता है इसमें कारण क्या है कि नल मैट्रिक्स है अगर कॉलम मैट्रिक्स लेंगे तो ये जीरो है ये जीरो है ये जीरो तो सिर्फ और सिर्फ कोफिशियन मैट्रिक्स से ही रैंक निकालें और नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है उनसे आप उसको रिलेट करिए ठीक है तो देखिए यहाँ पर हमें वन वन चाहिए होता है जो कि लकली है ए वन वन इज इक्वल टू वन टू रिड्यूज़ इट टू प्लॉन फॉर्म वी अप्लाई यहाँ टारगेट करके जीरो लाना है यहाँ पर यानी टू की जगह भी जीरो लाना है तो यहाँ पर आप करेंगे आर टू चेन बाई आर टू माइनस आर वन आर थ्री चेन बाई आर थ्री माइनस टू दो गुना घटा देंगे इसका तो ये जीरो ऑप्टेन हो जाएगा और कैलकुलेशन आप देख सकते हैं जब सबट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये थ्री बन जाएगा ये सबट्रैक्ट करेंगे माइनस टू यहाँ से फिर सबट्रैक्ट करेंगे दो गुना तो ये जीरो हो जाएगा इसका टू टाइम्स करेंगे तो ये थ्री हो जाएगा इसका टू टाइम्स करेंगे तो ये वन हो जाएगा ठीक अब यहाँ चाहें तो वन करें जब इस फॉर्म में करते हैं तो यहाँ वन चाहिए होता है जब अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली ऑब्जर्व करें और यहाँ जीरो क्रिएट कर लें शायद हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली सबटैक्ट uh, करने से यानी आर थ्री चेंज बाई आर थ्री चेंज बाई आर थ्री माइनस आर टू करने पर यहां जीरो आपको ऑप्टेन हो जाएगा और एक बात ध्यान रखिएगा रो वाइज ही एलिमेंट लिखिएगा पहले के वीडियोज़ में भी हमने आपको बताया है कि जब हम रो ऑपरेशन लगाते हैं तो पहले आर वन लिखना चाहिए फिर आर टू लिखना चाहिए और फिर आर थ्री लिखना चाहिए ठीक तो नेक्स्ट में आइए तो आपको रिड्यूस होकर के ये मैट्रिक्स मिल गए अब देखिए जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए इसके आगे ऑपरेशन हम लगा नहीं सकते हैं तो देखिए यहां पर दस ए हैज बिन reduced to echelon फॉर्म फ्रॉम विच वी फाइंड दैट रैंक ऑफ ए देखिए ये भी नॉन जीरो रो आ रही है ये भी नॉन जीरो रो है ये भी नॉन जीरो रो है तो रैंक थ्री नंबर ऑफ वेरेबल्स भी आपके थ्री हैं एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री zero जीरो सोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन राइटिंग matrix मैट्रिक्स we वी हैव पहले आप ए लिख दीजिए फिर एक्स लिख दीजिए और फिर वही नल मैट्रिक्स याद होगा हमने बताया था ए वन एक्स इज इक्वल टू बी वन ये बात हमने पिछले वीडियोज में बताई है आपको जब नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है अब यहाँ पर बी वन की वैल्यू आपकी जो है वो नल मैट्रिक्स है राइट right? तो ये बी वन और बी जो है वो सेम रहेगा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा व्हाट इज बी बी जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशंस लिखते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी तो स्टार्टिंग में जो कॉलम मैट्रिक्स होती है वो बी और स्लॉन फॉर्म में जो रिड्यूस होकर के आती है उसको हम बी लेकिन होमोजीनियस के केस में बी और बी सेम रहेगा मल्टीप्लाई करिए एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री होना चाहिए यहाँ पर और ये लास्ट में आपके पास जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास थ्री एक्स थ्री आएगा राइट तो जब मल्टीप्लाई हो गया और इक्वेशन बन गई तो थ्री एक्स थ्री जीरो यानी एक्स थ्री की वैल्यू भी जीरो आएगी एक्स थ्री जीरो पुट करेंगे तो एक्स टू भी जीरो हो जाएगा एक्स टू एक्स थ्री करेंगे तो एक्स वन भी और ये सोल्यूशन हमारा एक यूनिक सोल्यूशन है तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नाइन है इसमें अगर ध्यान दें तो फोर इक्वेशंस हैं देखिए चार इक्वेशंस हैं और वेरिएबल भी आपके पास चार है फोर वेरिएबल्स फोर इक्वेशंस आपने मैट्रिक्स ए लिखा जैसा कि कंसेप्ट बताया हमने आपको अब यहाँ पर ए वन वन पे वन होना चाहिए वो है और ऑपरेट करते हुए यहाँ जीरो करिए यानी इसको टारगेट करिए इस फोर को टारगेट करिए जीरो क्रिएट करिए ए वन वन के बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम जीरो करेंगे फाइव पोजीशन पे भी जीरो को ऑपटेन करिए तो आर टू चेंज बाई आर टू माइनस आर वन आर थ्री चेंज बाई आर थ्री माइनस फोर टाइम्स ऑफ आर वन एंड फाइव टाइम्स करेंगे आर फोर चेंज बाई आर फोर माइनस फाइव आर वन ठीक जीरो 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 यहाँ पर आपका क्रिएट हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो नंबर्स भी आ जाएंगे जो आगे के एलिमेंट्स है वो एंट्रीज भी आ जाएंगी इस तरीके से कुछ ऑपरेशन के बाद ऑप्टेन होगा राइटिंग करके करिएगा सब कुछ तो आप कर पाएंगे आसानी से अब यहाँ थ्री है या तो इसको डिवाइड करके वन क्रिएट कर लें अदरवाइज डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि थ्री टाइम्स सबस्ट्रक्शन करें यहाँ जीरो लाइए यहाँ जीरो लाइए टारगेट नाइन को जीरो करना है और थ्री को जीरो करना है तो थ्री टाइम्स अपट्रैक्ट करिए आर थ्री चेंज बाई आर थ्री माइनस थ्री आर टू एंड आर फोर चेंज बाई आर फोर माइनस आर थ्री राइट उसको कर देंगे तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा आपका अब देखिए दो यानी कि ये पूरी जीरो रो हो गई आपकी जब ऑपरेट करेंगे जीरो रो और ये रो भी जीरो हो गई ठीक तो रैंक ऑफ ए कितनी आई दो ही तो नॉन जीरो रो मिल रही हैं एक ये और एक ये तो रैंक ऑफ ए विलू दस क्वेफिशियन फॉर्म फ्रॉम विच वी सी दैट द रैंक यानी कि रैंक ऑफ ए टू है और लेस देन फोर है फोर यहाँ क्या है नंबर ऑफ वेरेबल्स

राइटिंग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इक्वेशंस वी हैव जब इसे इक्विवेलेंट आप लिखेंगे तो ये पता है कैसे लिखा जाएगा ये मैट्रिक्स लिख ली जाएगी और x1 x2 x3 या जो एक्स वाई जेड डब्लू दिया है वो लिखेंगे और इसके बाद जीरो 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 करके बना लेंगे आप ठीक है इसको बनाइएगा और ये आपको दो इक्वेशंस आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन मिल जाएंगी अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक को हम सीवन मान ले रहे हैं ना जेड को सीवन क्योंकि देखिए इक्वेशंस हमारे पास दो ही है वेरी गुड चार तो दो को आर्बिट्रेरी वैल्यूज देना है z को c1 दिया और w को c2 तो इनको यहाँ रख देंगे तो यहाँ से फिर आपके पास x की वैल्यू ये आ जाएगी और y की है, ये रख करके सिंप्लीफाई करिएगा पहले आपका y आएगा क्योंकि z पुट करेंगे और w तो y आ जाएगा फिर y पुट करेंगे z और w तो आपका x आ जाएगा कैलकुलेशन करिएगा वेयर c1 c2 टू आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इसीलिए इसके सोल्यूशंस क्या होंगे इन क्योंकि c1 c2 की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो यहाँ पर एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू भी चेंज होती रही एक बात और बता दें कोई ज़रूरी नहीं है कि जेड को ही सीवन लिया जाए आप वाई को भी सीवन ले सकते थे और डब्लू की जगह चाहे आप एक्स को भी सी टू ले सकते हैं जनरली वैसे एक्स पहला आ चुकी वेरिएबल है तो एक्स को सीवन ले लिया और वाई को सी टू कर लिया या वाई को सी टू कर लिया तो जेड को हमने वाई को सीवन कर लिया तो जेड को हमने सी टू कर दिया इस सीक्वेंस में किसी को भी आप वेरिएबल uh, कोई भी वेरिएबल हो उसको सीवन सी टू वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं और अदर टू को उनके टर्म्स में निकालेंगे देन वी विल से कि ये हमारा इन्फानाइट सोल्यूशन आएगा बिकॉज ऑफ द सीवन सी टू एज ए आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स अब देखिए लास्ट में आ गए हम लोग एक्सरसाइज में यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं अबाउट सेवन क्वेश्चंस है ये देखिए वन से लेकर के अगर देखें तो ये सभी क्वेश्चंस होमोजीनियस पर बेस्ड uh, है नॉन जीरो सोलूशन के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है जीरो तो इस सिस्टम का डिटर्मिनेंट आप जो है कोफिशन मैट्रिक्स का जीरो पुट करेंगे क्योंकि सोल्यूशन कैसा है नॉन जीरो ठीक और जब उसे सॉल्व करेंगे तो लैमडा की वैल्यू आपकी रियल वैल्यू जो है वो सिक्स आएगी कॉम्प्लेक्स को आप इग्नोर कर दीजिएगा और एक से लेकर के छः तक के क्वेश्चन बहुत आसान है जैसे कि अभी दो एग्ज़ाम्पल्स किया आपने एग्ज़ाम्पल नंबर एट एंड एग्जाम्पल नंबर नाइन उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के सिक्स तक आसानी से लगा सकते हैं ये जो भी स्टडी मटेरियल है जिससे हम आपको पी पी टी बना करके पढ़ा रहे हैं ये हमारे प्ले स्टोर पर एक ऐप है कुमार मैथ्स क्लासेस का गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए वहाँ पर पूरा स्टडी मटेरियल ऐप में अपलोड किया हुआ है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग तो आई थिंक आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा पेन पेपर साथ रखेंगे और एक से दो बार वीडियो देखिए और वीडियो देखते समय राइटिंग करते हुए चलेंगे जिससे कि और अच्छी तरह समझ में आएगा और कोई भी प्रॉब्लम आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे थैंक यू सो मच